मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से पहले प्रदेश में गौ मंत्रालय बनाने की घोषणा करके एक बड़ा सियासी दाव खेला है। वहीं किसानों को सोयाबीन पर 500 रुपए का बोनस देकर किसानों को साधने की भी कोशिश की है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में गाय बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद को गाय के हितेशी के तौर पर पेश किया है। शिवराज ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नरियावली में गौ रक्षा और उनके संवर्धन के लिए गौ मंत्रालय बनाने का ऐलान किया है। फिलहाल सूबे में गौ संवर्धन बोर्ड है, अब इसकी जगह मंत्रालय बनेगा। यहां यत्र तत्र सर्वत्र गोवंश बिखरा हुआ है और इसलिए अब बोर्ड नहीं सीधा मंत्रालय बनेगा और जहां जमीन मिलेगी वहां बड़े बड़े गो अभ्यारण्य और गौशालाओं का जाल बिछा के गौ माताओं को वहां रख के और उनका भी कैसे कल्याण हो इसका फैसला हम लोगों ने लिया है। इंसान नहीं गौ माता भी सुखी रहे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज न सिर्फ कांग्रेस पर जमकर बरसे बल्कि किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए भी बड़ी घोषणा की है। सीएम शिवराज ने कहा कि सोयाबीन में अब किसानों को 500 रुपए का बोनस सरकार की तरफ से दिया जाएगा। वहीं शिवराज की घोषणाओं पर आचार संहिता का असर भी दिखाई दिया। बेचने जाएंगे आप अच्छे से अच्छे दाम में बेचने पे और जल्दी मल्दी मत करना, नहीं तो कई बार जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं मंडी में, रेट कम ज्यादा हो जाते हैं। आराम से मोल भाव करके बैठे खींचा तान करके जो अच्छे से अच्छा रेट ले सकते हो 500 रुपया कुंटल सोयाबीन में सीधे सीधे अलग से डाल के दे दूंगा किसान को। कोई चिंता उड़ना का अलग हिसाब लगा दूंगा, कोई चिंता की बात नहीं है। पसीने के पूरी कीमत देगा शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कब दिया था कांग्रेस से कोई बता दे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर वो सियासी दाव खेल रहे हैं जिससे प्रदेश की सत्ता पर भाजपा की चौथी पारी और खुद की हैट्रिक लगा सके। अब देखना होगा कि गाय का मुद्दा शिवराज सरकार को कितना फायदा दिला पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, सागर।